पेरेंट्स लेके जब इस टूर रेस की एंजॉय, तो ये गाड़ी में पिकअप का प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब एक्सीलेटर दबाने पे भी गाड़ी जो है रेस नहीं हो रहा है। सो गाड़ी में जो चूहे का स्मेल भी आ रहा है, मतलब चूहा था इसका, और अभी देखते हैं स्कैन करके क्या डीटी से आ रहा है, सो उसके ऊपर डायग्नोस करेंगे। सो देखो ये स्टार्ट करते हैं इसको, स्टार्ट हो गई गाड़ी, तो एक्सीलेटर नहीं दे रही, एक्सीलेटर दबा रहा हूँ नीचे से, कुछ भी नहीं रेस हो रही है, RPM जो है कुछ भी नहीं बढ़ रहा है। इसमें चेक इंजन का मल्टीफंक्शन लाइट आया है, सो ये वो ये वाला, सो अभी स्कैनिंग करते हैं, स्कैनर में क्या दिखा था क्या डीटी से आते चेक करते हैं। सो ये देखो फ्रेंड्स, इसको स्कैन किया, इसके अंदर ये फॉल्ट कोड्स आए, देखो मास एयर फ्लो मैप सेंसर परफॉर्मेंस का, और इंजन अंडर बूस्ट का, और फ्यूल सेंसर वन सर्किट हाई वोल्टेज का, इंजन ऑयल प्रेशर स्विच सर्किट, और ये देखो एक्चुलेटर पैडल पोजिशन FP सेंसर्स टू सर्किट लो वोल्टेज, और ये इंजन ऑयल लेवल किसका है। सो इसका तो वायरिंग ही चेक करना पड़ेगा, देखो एक्सीलेटर पैडल पोजिशन सर्किट लो वोल्टेज का बताया। सो सबसे पहले वायरिंग चेक करते हैं, क्योंकि गाड़ी में जो है ना चूहे का भी बहुत स्मेल आ रहा है। सो ये देखो आप इसका, देखो इधर पूरा चूहे ने गंदा कर दिया है, ये देखो फूड बीट्स के जो भी कागज़ है देखो इधर ही गिरे हुए, ये देखो नीचे भी देखो, ये देखो इसको एयर फिल्टर बॉडी को भी काटा है चूहे ने, ये देखो। सो इसको एयर फिल्टर वो सब हटाना होगा, तो प्रेस करना होगा कि इधर इसका वायरिंग ड्रॉप हुआ है। सो ये देख सकते हैं आप, इसका ऐसे का मोटर है, लेफ्ट साइड का पैनल है सीट के, इधर देखो ये निकल लिया है, इधर इसका वायरिंग कहाँ है ये देखो, पूरा काट काट के ये कर दिया वायर को, ये देखो इसके अंदर शायद दिखाई देता होगा आपको कैमरा, ये देखो अंदर वायरिंग खाए, ये देखो पूरा अंदर, ये देखो ये सब खोलना होगा अभी, ये देख रहे हैं आप पूरा वायरिंग ड्रॉप हुआ है, इधर से काट लिया है चूहे ने, कितना अंदर कितना कंजेस्टेड है, किधर भी चले जाते चूहे, ये सब खोलना होगा, देखते हैं अभी आगे। सो देखो इसका एयर फिल्टर इधर से रिमूव किया है, इसका फ्यूज बॉक्स है, ये देखो इसको भी रिमूव कर लिया है, ये देखो अंदर पूरा वायरिंग था चूहे ने, तो मैं अंदर से दिखाया था आपको गाड़ी के अंदर से डैशबोर्ड के नीचे से, ये देखो पहले तो ये सब क्लियर करना पड़ेगा वायरिंग अभी, फिर उसके बाद देखते हैं। ये देखो फ्रेंड्स, मैंने वायर छुट्टा किया, ये कम से कम 10 वायर जो है कट हुआ है इधर से, ये देखो पूरा कट हुआ है, कुछ कम्युनिकेट ही नहीं हो रहा था, इसकी वजह से इसका एक्चुलेटर है जो ऑपरेट नहीं हो रहा था, और बाकी हुए जो फॉल्ट कोड्स है इसके वजह से आ रहे थे। सो फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं, इसका टेपिंग सब कर लिया है, ये देखो इधर जो भी वायरिंग्स खाया था वो प्रॉपरली कर दिया है, ये देखो इसको लगाने वाले इसका फ्यूज बॉक्स सब। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, इधर का जो भी वायरिंग खोला था वो प्रॉपर कर दिया है, इसके जो फाइबर्स है वो भी लगा दिए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं वायरिंग पूरा कंप्लीट कर दिया है, तो स्टार्ट करते गाड़ी को, देखो चेक इंजन का लाइट भी अपने आप चला गया, बैटरी वायर खोला था इसके लिए शायद, तो गाड़ी रेस भी हो रही है, देखो आप भी ऊपर हो रहे हैं, देखो तो इसका जो स्कैनर में इसका डीटी से चेक करते हैं क्या डीटी से है वो सब, डायग्नोसिस ट्रबल कोड में गया, और देखो नो ट्रबल कोड्स, मीन्स इसके जो वायरिंग है इसमें फॉल्ट था, वो चूहे ने वायर काटने की वजह से इसके जो वायरिंग का जो कनेक्शन है वो ड्रॉप हुआ था, जब एक्सीलेटर पैडल को हो गया मैप सेंसर का हो गया,
और जो भी पहले जो भी फॉल्ट कोड्स है वो भी अपने आप चले गए, मतलब वायरिंग क्लियर होने के बाद बैटरी वायर निकल इसके लिए। अभी स्कैनिंग भी करके देखा, नो ट्रबल्स कोड करके आ रहा है। सो देखो रेस करने में गाड़ी प्रॉपर है, अभी चेक इंजन का वो सब कोई लाइट नहीं है। डायग्नोसिस ट्रबल कोड में गया, नो ट्रबल कोड्स मीन्स इसके जो वायरिंग है इसमें फॉल्ट था, वो चूहे ने वायर काटने की वजह से इसके जो वायरिंग का जो कनेक्शन है वो ड्रॉप हुआ था, मतलब एक्सलेटर फैडर को हो गया, मैप सेंसर का हो गया। और जो भी पहले जो भी फॉल्ट कोड्स है वो भी अपने आप चले गए, मतलब वायरिंग क्लियर होने के बाद बैटरी वायर निकल इसके लिए। अभी स्कैनिंग भी करके देखा, नो ट्रबल्स कोड करके आ रहा है। सो देखो रेस करने में गाड़ी प्रॉपर है, अभी चेक इंजन का वो सब कोई लाइट नहीं है। तो फ्रेंड्स जो भी है इसके जो वायरिंग खाता है उसकी वजह से ये सब हुआ। सो अभी प्रॉपर कर लिया, कोई भी डिटेल्स नहीं है। सो फ्रेंड्स बाय।